हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हम फिर से और एक प्रोडक्ट कंपेयर वीडियो लेके वापस आ चुके हैं और आज हम जिन दोनों प्रोडक्ट का कंपेयर करेंगे वो दोनों फेस वॉश चारकोल फेस वॉश है। और आप लोगों को तो पता ही होगा चारकोल कितना ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, टेंशन नहीं लेने का। बट क्या ये दोनों फेस वॉश भी उतना ही इफेक्टिव होगा हमारी स्किन के लिए जितना चारकोल है? क्या इन दोनों से हमें चारकोल का फायदा मिलेगा या सिर्फ चारकोल के नाम पे धोखा ही मिलेगा? दोस्तों, चारकोल के बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता। आज वीडियो बनाना था इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और इस रिसर्च में मुझे पता चला है, नंबर वन, ये हमारी स्किन से एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस कंट्रोल करता है एंड स्किन को प्यूरिफाई करता है, विच मीन ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। नंबर टू, चारकोल हेल्प करता है क्लॉक पोर्स को ओपन करने में एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने में। उत्तरी, मुझे तो पता ही नहीं था और इतने दिनों से मैं अपनी स्किन में इस व्हाइट हेड को लेके घूम रही हूँ, ये सोच के कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। नंबर थ्री, ये हमारी स्किन से बैक्टीरिया, डर्ट, टॉक्सिन, इम्प्योरिटीज एंड पॉल्यूशन को भी रिमूव करता है। नंबर फोर, ये एक्ने को रिड्यूस करता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट है इसके, अगर बोलने जाऊंगी तो आप लोग पक जाओगे एंड मैं आप लोगों को पकाना नहीं चाहती। ऐसे भी दो एक ही व्यू आते हैं और आप लोग भी अगर पक गए तो मेरा क्या होगा? मेन मुद्दे पे आते हैं। बेसिकली आज हम दो चारकोल फेस वॉश का कंपेयर करेंगे, आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रोडक्ट है मामाअर्थ चारकोल फेस वॉश। मामाअर्थ ने हमारा ओल्ड ट्रेडिशन एंड न्यू फैशन किसी को भी नहीं छोड़ा। लाइक ओल्ड इज उपटन फेस वॉश एंड चारकोल फेस वॉश और न्यू इज विटामिन सी फेस वॉश एंड टी ट्री फेस वॉश। वेरी स्मार्ट, काश मैं भी इतना ज्यादा स्मार्ट होती। और दूसरा प्रोडक्ट है एरोमा मैजिक चारकोल फेस वॉश। एंड दोस्तों, इससे पहले मैंने एरोमा मैजिक सनस्क्रीन का भी कंपेयर किया है, अगर नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, देखो। समर में सनस्क्रीन चाहिए ना या नहीं? नहीं। सनस्क्रीन लेने से पहले देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चेक करते हैं दोनों का प्राइस। मामाअर्थ चारकोल फेस वॉश का प्राइस है 100 ml का 223 rupees। सच में इतना कम? वो भी मामाअर्थ का प्राइस? मुझे तो लग रहा था इसका प्राइस तो 400 के करीब होगा। वाव, नाराज क्यों हो रहे हो? वो वाला वाव नहीं, ये वाला वाव है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा पेन। वाव तुमसे ज्यादा ट्रेंडिंग है अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड, पर मैं बोलना चाहती हूँ वाव तुम सुधर गए। एज ए कॉम्प्लीमेंट तुम तो एबे नाराज हो जाते हो, बट मैंने इससे ज्यादा अगर तुम्हारा तारीफ किया तो और कोई मुझसे ज्यादा नाराज हो जाएगा एंड वो मेरे ऊपर बायस्ड होने का भी इंजाम लगा सकता है। सो एरोमा मैजिक चारकोल फेस वॉश का प्राइस है 100 ml का 136 rupees। सच में इतना कम? मामाअर्थ एक क्या बात हुआ, सीखो कुछ एरोमा मैजिक से। इसने तो हम जैसे गरीब लोगों के बारे में सोचा है और तुम सेम क्वांटिटी में 87 rupees ज्यादा चार्ज कर रहे हो। तुम्हें जितना भी बोलो तुम नहीं सुधरोगे। और याद रख, 87 rupees ज्यादा चार्ज कर रहे हो, अगर एरोमा मैजिक से क्वालिटी गंदा हुआ तो देख लेना। खैर नहीं। सो दोस्तों, क्लियरली प्राइस वाइज एरोमा मैजिक विनर है। मना लो खुशी, इसके बाद क्या होने वाला है पता है ना? इसके बाद इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करूंगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं मामाअर्थ का इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें है ये क्या, सिर्फ की इंग्रेडिएंट? क्या छुपाया है? कुछ नहीं, बच्चू चोर के ही दाढ़ी में तिनका होता है। सही बोला है हमारे बुजुर्गों ने। खैर क्या बोलू और कितना बोलू, इसमें की इंग्रेडिएंट है एक्वा, सोडियम लोड ऑयल सार्कोसिनेट, डी सोडियम कोको M4D एसिटेट, ग्लिसरीन, सोडियम PCA, कॉफी एक्सट्रैक्ट, एलेनसन, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, नाइसिनोमाइट, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, सीडर वुड ऑयल, डी पेंथेनोल, लाइट कोलिन एंड टी ट्री ऑयल। दोस्तों, नाइसिनोमाइट, एलेनसन एंड डी पेंथेनोल इनका माइल्ड साइड इफेक्ट है यार, सिर्फ की इंग्रेडिएंट ही मेंशन किया था और इसमें भी हद है। और क्या क्या छुपाया है तुमने, सोच रही हूँ। इसके बाद चलिए देखते हैं एरोमा मैजिक का इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें है एक्वा, बम्बो चारकोल एक्सट्रैक्ट, सेंटोरिया साइनस एक्सट्रैक्ट, बसवालिया सेरेटा एसेंस ऑयल, सिट्रस मेडिका लेमिनम एसेंस ऑयल यानी के लेमन एसेंस ऑयल, जूनिपरस कम्युनिस एसेंस ऑयल, टोकोफेरोल। ओ गॉड, मामाअर्थ ने तो बोल के झूठ बोला है, थोड़ा सा ईमानदारी है इसमें। और इसने तो क्या ही बोलू, हर हद पार कर दिया झूठ का। इसका पहला झूठ, इस फेस वॉश में हल्का सा फोम होता है बट इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई भी फोमिंग एजेंट मेंशन नहीं है। एंड सेकंड झूठ, इसमें किसी भी टाइप का प्रिजर्वेटिव का नाम मेंशन नहीं है। आई नो इसमें टोकोफेरोल है और एक कुछ दिन तक फेस वॉश को प्रिजर्व कर सकता है बट लॉन्ग टाइम में नहीं। सो चलिए चलते हैं कंपेयर के रिजल्ट की ओर। अब क्या होगा?
क्या होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था हमारे ओल्ड ट्रेडिशन को हमारे तक पहुंचाने का, बट इन दोनों ने वेस्ट कर दिया और दोनों ने पूरा दमखम लगा दिया सच को छुपाने के लिए, बट दोनों ही फेल हो गया। दोस्तों एरोमा मैजिक ने तो हद ही कर दिया। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हो, एरोमा मैजिक अमेज़न का सेकंड बेस्ट सेलिंग फेस वॉश है। ओ गॉड, कितने लोगों को इसने ठगा है। सो आज के कंपेयर के रिजल्ट में दोनों ही लूजर है एंड हमारे बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।